What a beautiful house. It's like a Barbie. अरे कहाँ तुम्हारे चोर होने का क्या फायदा है? क्या हुआ? कि हम लोग को यहाँ खिड़की से कूद कर आना पड़ रहा है. दरवाजा खोल दिया हो तो तू इधर से आ जाते ना हम लोग. कैसे कैसे पुलिस में भर्ती हो गए तुम? अरे वहां से दरवाजे से आते तो सिक्योरिटी वाला देख लेता और दरवाजा खुला देखकर बारबी समझ जाती ना. बारबी समझ जाती ना. फिर दरवाजा बंद भी तो होता है ना. अच्छा अभी आ गए ना अंदर तो कहाँ कैमरा कहाँ लगा है? कैमरा कहाँ है? हाँ कैमरा है यहाँ पर. जल्दी जगह खोज कहाँ लगाना है कैमरा. जगह जिससे पूरा एंगल कवर होना चाहिए. कहाँ? यार चीते इतना बड़ा घर है लेकिन कैमरा प्लेस करने के लिए जगह नहीं मिल रही. कहाँ लगा है कैमरा? चाय 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 ये लीजिए मैडम बदनाम स्पेशल चाय. एक मिनट, मैंने अभी अभी बहुत ही ज्यादा टेस्टी नारियल की बर्फी खाई है. मुझे आपकी चाय पी के अपना मूड खराब नहीं करना है. अच्छा लगता है मैडम, बहुत अच्छा लगता है जब मुंह पे बेइज्जती होती है. एक काम कीजिए, आप अपनी चाय बारबी मैडम को पिला दीजिए. नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैंने अभी मेडिसिन ली है. अरे कमाल हो गया, गजब हो गया. अरे आप जानते नहीं हो बदनाम स्पेशल चाय को. कोई बात नहीं है मैडम, लेकिन मैडम सर तो चाय पिएगी ना. तो दे दो जाके. खड़े क्यों, जाओ. अरे मैडम आप जानती नहीं हो, दरअसल जो ना कुछ दिनों से हम मैडम सर से ना बहुत डर रहे. मैडम कहा है कि मैडम सर के सर के ऊपर जो ना साया है, साया समझ जाओ. लेकिन मैडम कोई बात नहीं, जैसे आप पुलिस वाले हो ना, अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हो, वैसे मैडम आज हम अपनी जान हथेली पर रखकर काम करेंगे. समझ जाओ, तुम मानो या ना मानो. रुको है? लाओ आज चाय मैं दे देती हूँ मैडम सर को. मैडम थैंक यू सो मच मैडम. चलता है मैडम, थैंक यू. हसीना मलिक, जब तक तू रहेगी हमारे लिए खतरा बनी रहेगी. अब ये हाई डोज इस चाय में पीते ही तेरा खेल खत्म. जवाब दीजिए करिश्मा सिंह, रेड होने वाली है इस बारे में उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि इस मिशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप और हम जानते थे. हम आपके सीनियर हैं, कम से कम हमसे खड़े होकर तो बात कीजिए. करिश्मा सिंह सच सच बताइए, रेड पड़ने वाली है ये खबर उन लोगों तक कैसे पहुंची? मैडम सर चाय. हाँ रख दो. करिश्मा सिंह हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, रेड के बारे में उन लोगों को कैसे पता चला? बकवास, आप बकवास कर रही हैं. हम सिर्फ और सिर्फ सच जानने में दिलचस्पी रखते हैं. आप हमसे झूठ मत कहिए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, ये आप भी जानती हैं. हम वार्निंग यू. दो दिन, बस दो दिन का और बात है फिर यहाँ से टाटा बाय बाय. अम्मा हमारा दम घुटता है ये नकारात्मक लोगों के बीच में. नकारात्मक लोग मतलब नेगेटिव ना? नकारात्मक मतलब नेगेटिव. हाँ वही मतलब आप ना. मैडम के हिसाब से पछताएंगे, सब पछताएंगे. इस रूम में बैठ के जो जो हमारा बात सुन रहा है ना सब पछताएंगे. अगर उस नागिन ने नहीं डसाना चीते हम बता रहे हैं, सब पछताएंगे यहाँ पे. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब हमने क्या किया जो आप हमें कोस रही हैं? ना पुष्पा जी, मतलब आपको क्या लगता है पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही नागिन है? हाँ नहीं वो तो है, आप भी तो है इच्छाधारी नागिन जो आज तक डस्ती आई है हमको, हमारे लल्ला को, हम सबको. अरे हम सबसे बड़ा वाला नागिन का बात कर रहे हैं मैडम सर. नागिनों की ना महारानी है वो,
पूरे पूरे विश्व का जहर लेके बैठी है अपने अंदर। मैडम इकबाल को लेके गए लोग। हाँ कौन कौन लेके गया इकबाल को, कहाँ लेके गया? मैडम बात को समझो आप, वो मैडम वो मिल गया इकबाल, इसको मिल गया ना इकबाल। हेलो करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, बताइए। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए। क्या बात है, आप ही के फोन का तो इंतजार था महाराज, पता नहीं था भोलेनाथ हमारा इतनी जल्दी सुन लेंगे। जी बताइए। मैडम सर, सुप्रिया बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारे दूसरे नंबर पर फोन किया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। आपने जब सुबह हमें अपने दूसरे नंबर से मैसेज किया ना, हम तभी समझ गए थे कि आपको आपके पहले नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके गुड, बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया? मैडम आपने तो हमें कहा था ना कि इस रैकेट को पकड़ने के लिए आपको हमारी हेल्प चाहिए, और हम आपके कहने पे उस दलदल में दोबारा फंसे थे। आपने हमें भरोसा दिलवाया था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे, पर क्या? सुप्रिया रिलैक्स, एक काम बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ, पर क्या? मैडम उन लोगों ने अपना सारा शूटिंग स्केड्यूल चेंज कर दिया है, अब वो आगे की शूट यहाँ लखनऊ में नहीं बल्कि मुंबई में करने वाले हैं। क्या? ये सब आपकी रेड का नतीजा है, अब वो लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए, उन्हें मालूम पड़ गया कि अब पुलिस उनके पीछे है, अब वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं। अच्छा कब तक यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट की डिटेल्स। क्या ये हो, ये कैसे हो सकता है? रात तो रात एक पूरा सेटअप उठाकर सीधा नए शहर में, दिस इज अनबिलीवेबल। और कितनी लड़कियां हैं? मुझे मिलाकर 5 लड़कियां और हैं मैडम, और जैसे कि बताया गया है कि आज शाम को ही हमें कहीं और शिफ्ट करने वाले, लेकिन कहाँ करने वाले ये मालूम नहीं। और हमें बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अगर हम में से किसी ने जाने से इनकार किया, वो लोग हमारी बच्ची खुची फोटोज और वीडियोज भी वायरल कर देंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस समाज में। प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स प्लीज। आपने मुझे एक बार तो बचा लिया मैडम, बार बार कैसे बचा पाएंगी जान देने से? और मेरी तरह 5 लड़कियां और हैं, तो वो शायद ये सब कुछ सोच रही होंगी या फिर सोच चुकी होंगी। हम कल सुबह तक का आपका इंतजार करेंगे मैडम, और हम में से कोई भी लड़की फ्लाइट नहीं पकड़ने जाएगी, और शायद उसके बाद हम में से कोई बच भी ना पाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.